खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के मनफिया स्थित प्रख्यात कृष्ण धाम भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में हर महीने चतुर्दशी के दिन भंडारा खोला जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद पिछले दिनों खुले मंदिर में केवल 10 दिन में ही भक्तों ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ा दिया है। वह सोना और चांदी के आभूषणों के अलावा ऑनलाइन भी 9 लाख रुपए से ज्यादा भेंट किए गए हैं। इसी के साथ ही मंदिर खुलने के बाद गुरुवार को चतुर्दशी के अवसर पर भंडार भी खोला गया। गुरुवार शाम तक की गिनती में 3 करोड़ 12 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि निकली है। इसके अलावा 33 ग्राम सोना और 1370 ग्राम चांदी के आभूषण भी निकले हैं। श्री सांवलिया मंदिर में अमावस्या से पहले चतुर्दशी पर भंडार खोला जाता है। वह गुरुवार सुबह 11:30 बजे के समथिंग राजभोग आरती के बाद मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास की उपस्थिति में मंदिर के पुजारियों ने भंडार खोला है। दोपहर से भंडार से निकली राशि की गणना शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। भंडार से 3,12,72,600 रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए मर्दर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।